ओके सो सेकंड सर्विस का टाइम हो गया है. द ओडोमीटर करेंटली रीड्स 7177 किलोमीटर्स. मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि माय कार हैज बीन थ्रू ऑफ रोड माउंटेन्स एंड पैचेस एज सच. तो थोड़ी बहुत जल्दी करवा रहा हूँ और बाकी सारे सर्विस भी 10,000 किलोमीटर से थोड़ी जल्दी लाइक 8,000-7,000 किलोमीटर में ही मैं करवा लूंगा बिकॉज आई वॉन्ट ए लॉन्ग लाइफ फॉर दिस कार. इस गाड़ी का लंबी लाइफ मैं चाहता हूँ. तो अभी सेकंड सर्विस के लिए कुछ पॉइंट्स तो है और मैं सर्विसिंग करवाता हूँ कोलकाता में एनआर ऑटोज और उपोटा में जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे सर्विसिंग करवाता हूँ. और सेकंड सर्विस में कुछ इश्यूज है मेरे पास लिस्टेड, वो मैं आपको पहुँचते ही बताऊंगा. ओके तो सर्विस सेंटर से वापस आ गया. सॉरी आई कैन नॉट कंटिन्यू ब्लॉगिंग इन द सर्विस सेंटर. सो जो भी मेरा सेकंड सर्विस के का इश्यूज था आई हैड लिस्टेड देम ऑन माय गूगल कीप. ठीक है सो आई जस्ट टेल देम टू यू. एक तो ये चीज़ है टीम बीएचपी में आई सॉ दैट बहुत लोगों का बोनेट लैचेस वर गेटिंग रिप्लेस जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था कि थार का बोनेट गेट्स ओपन वाइल ड्राइविंग. सो इसीलिए दे आर स्ट्रॉन्गर बोनेट लैचेस गिवन नाउ. तो बोनेट लैचेस रिप्लेस होना था, ये एक नंबर वन पॉइंट था. मेरा थार में मेरा एलेक्स वेरियंट है तो इसमें राइट साइड का जो यूएसबी पोर्ट है द वन दैट कनेक्ट्स विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले उसमें हमेशा पावर ऑन रहता है. जैसे कि आप चाबी निकाल के एकदम चले जाते हो इफ यू वॉक अवे फ्रॉम योर कार इवन देन ऑल्सो उस पर पावर रहता है. सो इट मे बी बाई डिज़ाइन, मुझे पता नहीं, जो भी और थार ओनर से वो मुझे क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो इट मे बी बाई डिज़ाइन कि वो वाला पोर्ट में पावर रहता है. तो मे बी इट्स यूजफुल कि गाड़ी फोन गाड़ी में छोड़ के आप चार्ज पे बिठा दिए. सो दैट इज़ एक्चुअली हैंडी इन सम केसेस. ये फॉल्ट है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है क्योंकि बाकी आई हैड ऑल्टो और इन अदर कार्स आई डिड नॉट सी दिस फीचर. लाइक चाबी निकाल लोगे फिर भी इट विल कीप चार्जिंग योर फोन. सो एनीवेज ये वाला एक इशू था, वो चेक करवाना था. तीसरा एक इशू है रियर डोर क्रीकिंग इशू. पीछे वाला दरवाज़ा जब मैं खोलता हूँ, पीछे वाला दरवाज़ा ओपन क्लोज जब भी मैं करता हूँ तो उस टाइम पे आई गेट सम वियर्ड कैच 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 नॉइज. ठीक है ये एक्चुअली मेरा ही दूसरा गो 12 इशूज वाला थार वाला उस वीडियो में शायद किसी ने कमेंट किया था कि योर रियर डोर हैज़ ए क्रीकिंग नॉइज और इसलिए उसके बाद मैंने खुद देखा तो हाँ क्रीकिंग नॉइज है और धीरे धीरे वो नॉइज़ बढ़ता रहा. एंड जस्ट अ फ्यू डेज अगो जब मैं आज भी सुबह को जब मैं ड्राइव करके सर्विस सेंटर जा रहा था तब भी बम्पर आए तो वहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था. सो एनीवेज दैट वाज अनदर इशू. चौथा एक छोटा सा इशू था ये सिक्किम वाला ट्रिप जो व्लॉग सीरीज अभी मैं छोड़ रहा हूँ, एक बाइक आके पीछे से ठोक दिया था तो बैक रिफ्लेक्टर जो है वो थोड़ा अनसेटल हो गया था. ये मेरा पर्टिकुलर इशू है. एफी का इशू, एक्चुअली 12 इशूज ऑफ थार में जो भी लिस्टेड है वो सारे इशूज ही मेरा सेकंड सर्विस के लिए पड़ा हुआ था. तो एफी 30 के एमपीएल दिखाता है कभी कभार, दैट इज़ एन इशू. फिर एंड्रॉयड ऑटो कभी कभार डिसकनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट नहीं होता है, फिर ऑफ करके पूरा इंजन ऑफ करके चाबी निकाल के फिर अंदर इनपुट करके देन यू हैव टू स्टार्ट इट एंड देन एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट. सो एंड्रॉयड ऑटो का इशू था. हॉर्न का इशू था जो कि महिंद्रा से दो बार आके मेरे घर पे आके फिक्स कर दिया. फर्स्ट टाइम दे रिप्लेस माई ओल्ड हॉर्न एंड पुट ए न्यू हॉर्न बट देन इट वॉज मच वर्स, और भी खराब चल रहा था वो. तो इसलिए दोबारा हम मेरे घर पे आके फिर रिप्लेस किया मेरा ही पुराना वाला हॉर्न एंड आफ्टर दैट इट वॉज वर्किंग ए लिटिल बिट बेटर. अभी तक इतना लॉन्ग राइड पे नहीं गया, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गया, मैंने 200 किलोमीटर के आसपास ही गया. फुल डे ड्राइव करने के बाद शायद समझ में आएगा कि हॉर्न में एक्चुअली अभी भी प्रॉब्लम है कि नहीं. बट आई थिंक इज दैट अगर मैं फुल डे ड्राइव करूंगा दोबारा मे बी, क्योंकि कभी कभार हॉर्न का साउंड थोड़ा बहुत बदल जाता है कभी कभार, मैंने अभी भी नोटिस किया है. तो या आई मीन आई थिंक महिंद्रा माइट नीड टू रिप्लेस द हॉर्न विद सम बेटर मॉडल विद सम अदर मॉडल दैट इज मे बी कॉम्पेटेबल कुछ तो, या रिले का इशू हो रहा है कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है. So once I go on a very long drive for at least one day, like Kolkata to Siliguri or something like that, तब मुझे पता चलेगा horn का issue, horn में actually issue है कि नहीं. फिलहाल horn is working fine after Mahindra guys came to my home and replaced it. So उसके बाद second service का जो भी normal listed procedure है, हाँ मैं आऊँगा second service में क्या क्या मेरा replacement हुआ है, changes हुए, cost, price वगैरह कितना कुछ हुआ, सब कुछ details में एक एक करके आपको बताता रहूँगा. So let me open that key, वो भी लिख के रखा मैंने. ओके तो सेकेंड सर्विस में, और मेरे पास वो बिल भी है, सो प्राइस वगैरह कितना भी कितना कॉस्ट वगैरह पड़ रहा है सेकेंड सर्विस का. सो आई हैव ऑल दैट लिस्टेड हियर. पहली बात तो मैं बता दूं कि क्या क्या मेरा सेकेंड सर्विस में रिप्लेस हुआ है. तो या मेरा गाड़ी चला हुआ है अभी लगभग 8,000 किलोमीटर के आसपास, 7,500 एक्चुअली के आसपास, और इंजन ऑयल रिप्लेस हुआ है. ऑब्वियसली दैट वॉज मच नीडेड. हर 10,000 किलोमीटर पे कंपनी वाले बोलते हैं कि इंजन ऑयल आपको चेंज करना है. तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि 8,000 किलोमीटर के आसपास कर लो इफ यू वांट लॉन्गेविटी ऑफ द कार, और डीकार्बोनाइज करने का जरूरत भी उतना जल्दी नहीं पड़ेगा. तो इंजन ऑयल जो इन लोगों ने दिया दैट इज द मैक्सिमाइल अल्ट्रा 1 लीटर इंजन ऑयल जो इन लोगों ने दिया, और इंजन ऑयल लगता है 6 लीटर्स ऑफ इंजन ऑयल, या काफ़ी बड़ा इंजन है तो 6 लीटर इंजन ऑयल लग जाता है. और इंजन ऑयल का प्राइस है
पर लीटर का प्राइस है 305 करके, एंड आई विल ऑल्सो कीप द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिलिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, और वीडियो के बीच में कहीं पे डाल देंगे। तो इंडियन ऑयल का प्राइस है 305 पर लीटर। इंडियन ऑयल का टोटल प्राइस पड़ा है मुझे 1830, विच इज ओके। ये एक सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है जो महिंद्रा से प्रोवाइड करता है। तो आई एक्चुअली विश टू यूज सिंथेटिक इंजन ऑयल ऑन माय व्हीकल। तो इसके बाद वाले सर्विस में शायद मैं सिंथेटिक इंजन ऑयल में शिफ्ट कर जाऊंगा इसके बाद वाले सर्विस में। तो इंजन ऑयल चेंज हुआ फर्स्ट थिंग, ऑयल फिल्टर ऑब्वियसली ऑयल फिल्टर चेंज हुआ। ऑयल फिल्टर का प्राइस है 185 rupees, विच इज एब्सोल्युटली ओके। प्राइसिंग के हिसाब से आई थिंक महिंद्रा प्राइसिंग इज एट ओके लेवल्स। एंड देन रेयर डिफरेंशियल का जो ऑयल है वो भी चेंज हुआ। रेयर डिफरेंशियल में 1.8 लीटर्स का ऑयल लगता है, सो वो भी चेंज हुआ। रेयर डिफरेंशियल का ऑयल का प्राइस है, जो ऑयल रेयर डिफरेंशियल में डालते हैं वो है मैक्सिमा इलाइट। 1 लीटर का दो क्वांटिटी में डाले हैं उन लोगों ने। पर लीटर इज 393 rupees और टोटल आया है 786, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वगैरह सब कुछ मिला के। सो डिफरेंशियल ऑयल चेंज हुआ। फिर चेंज हुआ डी एफ फ्लूइड, काफ़ी टॉपअप हुआ क्योंकि डी एफ जो BS6 डीजल इंजन पर रहता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बोल के, डीजल इंजन के बाजू में कैप रहता है ब्लू कलर का, सो वहाँ पे डीजल टैंक डी एफ टैंक रहता है 20 लीटर्स का, तो उसमें भी डी एफ टैंक टॉपअप हुआ। डी एफ उन लोगों ने डाला मैक्सिक्लिन 6 लीटर का, 6 लीटर का दो क्वांटिटी यूज़ किया, तो 12 लीटर डीएफ उन लोगों ने डाला क्योंकि 8 लीटर डीएफ था, और डीएफ का प्राइस पर 6 लीटर कैन का प्राइस है 518 रुपये। सो टोटल प्राइसिंग केम टू, सॉरी, पर 6 लीटर डीएफ का जो डब्बा आता है उसका प्राइस है 260 रुपीज़, तो टोटल केम 520 रुपये के आसपास। डीएफ ऑयल फिल्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसको छोड़ के विंडशील्ड का जो फ्लूइड है वो टॉपअप हुआ। सो टोटल प्राइसिंग फॉर ऑल दिस आइटम्स सब मिला के मुझे पड़ा 4204 रुपये फॉर माई फर्स्ट सर्विस ऑफ महिंद्रा डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन एलेक्स मॉडल। और कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी सारा बहुत अच्छी तरीके से, आई वुड से दैट ये जो एन आर ऑटोज, मैं कोलकाता में रहता हूँ, कोलकाता एन आर ऑटोज जो आरूपोटा में है उस सर्विस सेंटर में, दिस गाइज आर रियली वेरी गुड बिकॉज उनका कस्टमर एंड बिहेवियर से लेकर उनका सर्विस, आई थिंक दे जिस डिटेल से वो लोग गाड़ी को देखते हैं, that is very much needed to be replicated in other service centers like Maruti and all. Service was perfectly okay, good experience. थोड़ा कम time में कर पाते तो, because when I booked the service वहाँ पे लिखा था कि they will release my car within 1 PM, but then service होते होते it took around 5 PM. service होने में काफ़ी time लगा, so maybe next time they can be a little bit faster if they can, but then fast से ज़्यादा मैं कहूँगा quality बढ़िया होना चाहिए। the quality of service that they give is very much important because गाड़ी खरीदने के बाद, एक क्वालिटी गाड़ी खरीदने के बाद उतना ही मैटर करता है कितना क्वालिटी सर्विस आपको मिल रहा है। सो या हैट्स ऑफ टू एन आर ऑटोज महिंद्रा दिस सर्विस सेंटर बिकॉज दे रियली डू ए गुड जॉब। और कुछ चेकिंग्स वगैरह भी हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, जैसे कि आपने शायद इंटरनेट पे देखे हो कुछ लोगों का हार्ड टॉप लीक हो रहा है, तो वो अच्छी तरीके से जेट प्रेशर मार के चेक हुआ, वेरिफिकेशन हुआ अंदर पानी जा रहा है कि नहीं, तो मेरे वाले हार्ड टॉप में कोई इश्यूज नहीं है। सो दैट वाज अनदर इंस्पेक्शन डन। बाकी तो रेगुलर बहुत सारे इंस्पेक्शन होता है, वो सब किया सेकेंड सर्विस के अंदर। और मैं अभी आपको जो मेंटेनेंस एंड इंफॉर्मेशन गाइड है उस वो देख के बता देता हूँ और क्या क्या रेगुलर इंस्पेक्शन इन लोगों ने किया। ओके, सो ये है थार का मेंटेनेंस शेड्यूल चार्ट, अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हो तो आई विल पुट ए स्क्रीनशॉट। सो इंजन ऑयल तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, 10,000 किलोमीटर का ये सर्विस था। सो इंजन ऑयल हैज बीन रिप्लेस्ड, ऑयल फिल्टर रिप्लेस्ड, कूलेंट लेवल इंस्पेक्ट किया, तो एयर फिल्टर इन लोगों ने चेक किया, ड्रेन वाटर इन फ्यूल फिल्टर डीजल में भी दे चेक दैट, इंस्पेक्शन मेल दिया हुआ है। बट आई एम रियली आई डोंट नो, मतलब ये ड्रेन वाटर इन फ्यूल फिल्टर ये कहाँ पे इंस्पेक्ट हुआ, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल कीप दिस वन विथ मी और फिर उनसे पूछूंगा बिकॉज आई एम ऑल्सो क्यूरियस, मुझे भी ये सब जानने में कहाँ पे क्या है चीज़ें जानने में। और थार को जब उठाता है तो उसका अंडर बॉडी देखने में बहुत अच्छा लगता है, लुकिंग एट दी पार्ट्स उस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू आर एन एंथुजियास्ट, आपको भी पसंद आया कि देखने में कौन सा क्या पार्ट है, क्या जानने में क्या पार्ट है, किसका क्या काम है, वो एकदम प्रैक्टिकली सामने देखने में अच्छा लगता है। सो दैट्स वॉट हैपेंड एट 10,000 किलोमीटर्स। और कुछ चीज़ें भी है, रेयर एक्सेल ऑयल जो कि मैंने बोला डिफरेंशियल फ्लूइड दैट हैज बीन रिप्लेस्ड, टायर रोटेशन इंस्पेक्ट एट एवरी 10,000, ओके टायर रोटेशन हर 20,000 किलोमीटर में इन लोगों ने कहा कि रोटेट किया कर दिया जाएगा, दैट इज द लेफ्ट फ्रंट विल मूव टू द राइट बैक एंड द राइट फ्रंट विल मूव टू द लेफ्ट बैक।
द रेस्ट ऑफ इट इज नॉर्मल इंस्पेक्शन, ठीक है। हाँ, TPMS सेंसर दोबारा रीलर्न करना पड़ा क्योंकि देर वॉज एन इशू विद द TPMS सेंसर, एक टायर का सेंसर ठीक ठाक रीड नहीं कर रहा था, सो दैट हैज बीन रीलर्न, और जो भी हवा भरना था वो लोग भर दिया। दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट ऑल दी थिंग्स। और जो चीज़ें यूज करते हैं महिंद्रा रिकमेंड करते हैं वो रहा इस शीट में, आई होप यू कैन सी इट, नहीं तो स्क्रीनशॉट डाल देंगे। दैट्स अबाउट इट माय फ्रेंड्स, अगर कोई सवाल रहे तो लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई बैक करूंगा, और जो भी थार के साथ अपडेट्स होता है आई विल कीप अपडेटिंग देम ऑन माय चैनल। और बाय द वे, उम्मीद करते हैं आप लोग सिक्किम का जो थार लेके मैंने ट्रिप किया वो व्लॉग सीरीज देख रहे हो और यू आर एंजॉयिंग दैट। बहुत लोग मैंने देखा है देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वैसे मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे चैनल पे आई एम ए हार्ड कोर काइंड ऑफ ट्रैवलर, ठीक है, ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, और मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे एडवेंचर प्लेलिस्ट है अरुणाचल के डोंग अनिमी से लेकर बहुत सारे जगह विद मोटरसाइकिल्स विद कार्स। सो अगर आपको ट्रैवल सीरीज देखना पसंद है मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, एंड वहाँ पे जाके आप बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रैवल सीरीज देख पाओगे। सो इफ यू लाइक देम, ओनली इफ यू लाइक देम, तब जाके सब्सक्राइब करके ना क्या, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।